नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आचार्य धनंजय और आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है भाग्योदय कार्यक्रम में। और आज आप सभी दर्शकों को बहुत ही विशेष रूप से मैं बताना चाहता हूं कि आज के कार्यक्रम में दैनिक राशि फल पर तो हम लोग चर्चा करेंगे ही करेंगे, लेकिन आज बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय भी हम लोगों ने चुना है और आज का विषय है प्रेम विवाह। इसके साथ ही साथ वो दर्शक जिनको की राशि के बारे में ज्ञान नहीं है, आपको बिल्कुल भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आपकी जन्म तिथि के आधार पर, जन्मांक और मूलांक के आधार पर मैं आपको उपाय बताऊंगा और जैसा कि सदैव आप सभी दर्शकों को मैं बताता हूं कार्यक्रम के अंत में आज का महा उपाय। इन सभी विषयों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले आज का पंचांग। आज दिनांक 18 मई सन 2020 है, दिन है सोमवार, वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है, नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव है, चंद्रमा का गोचर मीन राशि में रहेगा। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है दर्शकों। आज राहु काल की अवधि सुबह 7:15 से 8:53 तक हमें प्रभावित करने वाली है। और जैसा कि मैं सदैव आप सभी दर्शकों से कहता हूं, इस समय अवधि में कोई भी नवीन कार्य का शुभारंभ नहीं करना है। इस समय अवधि में कोई भी नई क्रिया का आरंभ पूर्णतया वर्जित रहेगा। दर्शकों, अब आरंभ करते हैं आज का दैनिक राशि। लेकिन इससे पहले, जैसा कि कार्यक्रम के आरंभ के समय में मैंने आप सभी दर्शकों से कहा था कि आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं, वो महत्वपूर्ण विषय है प्रेम विवाह। आप सभी दर्शकों से मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि कई दर्शकों के ये प्रश्न थे कि आचार्य जी, हमारी इस महत्वपूर्ण समस्या का समाधान बताइए। सबसे पहले तो हमें यह जानना है कि हमारी कुंडली में प्रेम विवाह का योग है भी कि नहीं है, क्योंकि हम कहीं कहीं कुंडली दिखाते हैं तो कोई बता देता है कि प्रेम विवाह ही है, कोई कहता है कि बिल्कुल होना ही नहीं है, और कई दर्शक तो बड़े ही गंभीर हैं, वो तो कहते हैं कि यदि मेरा विवाह नहीं हुआ तो मेरे लिए तो दुनिया ही बेकार है, मैं फिर क्या करूंगा इस दुनिया में, और बड़ा ही नकारात्मक स्थिति में चले जाते हैं। आप सभी दर्शकों से मैं कहूंगा कि जीवन में चाहे किसी भी प्रकार की स्थिति का सामना आपको करना पड़े, केवल प्रश्न विवाह का नहीं है, नकारात्मक नहीं होना है, एक काम लीजिए। दूसरी बात कि आज हम लोग स्पष्ट रूप से ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं और आपको भी मैं बताने वाला हूं कि कैसे ये स्थिति स्पष्ट हो जाए कि आपकी जन्म कुंडली में प्रेम विवाह है कि नहीं है, जो सबसे सरल सी स्थिति है, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि केवल यही स्थिति नहीं है, और भी कई प्रकार के योग होते हैं, या और भी कई प्रकार के योग हो सकते हैं। जो सर्वाधिक सरल स्थिति है वो है लग्नेश पंचमेश की युति का सप्तम भाव में होना, पंचमेश का सप्तम भाव में विराजमान होना और किसी शुभ ग्रह से पूर्णतया दृष्ट होना, या सप्तमेश पंचम भाव में विराजमान हो जाए, पंचमेश सप्तमेश की युति लग्नेश के साथ भाग्य स्थान पर बन जाए, या भाग्येश पंचमेश का एक्सचेंज ऑफ हाउस हो जाए, लग्नेश सप्तमेश का एक्सचेंज ऑफ हाउस हो जाए, पंचमेश लग्नेश और सप्तमेश की स्थिति यदि शुभ है, प्रबल है, एक दूसरे के साथ सकारात्मक रूप में है। ये मैंने क्यों कहा, क्योंकि यदि प्रबल रूप में शत्रु ग्रह एक साथ विराजमान हो जाए तब प्रेम तो बड़ा घना होगा, लेकिन परिवारों में दुश्मनी होगी। अक्सर मैंने देखा है कि दो परिवार एक साथ रहते हैं, अड़ोस पड़ोस में रहते हैं, परिवारों में बड़ी ही कट्टर शत्रुता है, और उन दोनों ही परिवारों में चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, एक दूसरे से बड़ा ही गहरा प्रेम करते हैं,
अब उनके लिए तो बड़ा कष्ट का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि प्रेम से वो पीछे हट नहीं सकते और परिवार अपनी जगह पे अटक गए। अब क्या करें ऐसी स्थिति में? मैंने जो पूर्व के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों को बताया था, देखिए प्रेम एक अलग विषय है और विवाह एक अलग विषय है, और जब बारी आती है प्रेम विवाह की तब दोनों ही विषयों का अध्ययन करना पड़ता है। पहला कि प्रेम है कि नहीं है, प्रेम का योग है कि नहीं है, फिर यही प्रेम विवाह के रूप में परिणित होगा या नहीं। प्रेम तो हो गया, कई दर्शकों को मैंने देखा, कई कुंडलियां मैंने देखी कि प्रेम बड़ा गहरा था लेकिन आचार्य जी मजबूरी में, ये आप सही बता रहे हैं कि लव अफेयर का जबरदस्त योग था मेरी कुंडली में, लेकिन मजबूरी में मैंने शादी कहीं और कर ली। ये भी होता है, ये क्यों होता है? मैंने इसीलिए आपको स्पष्ट किया कि पंचमेश से प्रेम की स्थिति का निर्णय लेते हैं और सप्तमेश से विवाह का। कोई जरूरी नहीं कि प्रेम गहरा हो तो विवाह हो ही जाए, और आपको हताश निराश नहीं होना है। यही विधि का विधान होता है, भाग्य का खेल होता है। अब चूंकि बात निर्णय लेने की है, आपकी कुंडली में प्रेम विवाह है कि नहीं है, तो पंचमेश की स्थिति बड़ी ही महत्वपूर्ण है। यदि पंचमेश लग्न कुंडली में भी शुभ है और नवमांसा में भी उनकी स्थिति प्रबल है, शुभ है, निश्चित सी बात है प्रेम विवाह ही होगा। और यदि षष्ठेश या मंगल या शनि या राहु के साथ ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है तो ऐसे जातक भाग के शादी करेंगे, कानून के माध्यम से थाना पुलिस कोर्ट कचहरी के साथ उनकी मदद लेकर के शादी करेंगे, लेकिन विवाह तो हो करके ही रहेगा। क्यों? कई बार मैंने देखा कि जब बारी राहु शनि केतु की आती है, मंगल की आती है, तो लोग कहते हैं कि नहीं तुम्हारे विवाह में विघ्न आ जाएगा। पर मैं कहता हूं नहीं, हाँ ये हो सकता है कि तुम्हें भाग के करना पड़े, ये हो सकता है कि परिवार के विरुद्ध जाकर के विवाह का निर्णय लेना पड़े। क्यों? क्योंकि शनि परंपराओं को तोड़ने वाला ग्रह है, राहु अत्याधुनिकता का कारक है, तो ऐसे जातक परिवार की रूढ़िवादिता का विरोध करते हैं। यही राहु जब पंचम भाव से संबंध शुभ स्थिति में बनाता है, यदि तुला राशि में राहु पंचम भाव में हो तो जातक की जो भाषा होती है अंग्रेजी का, वो स्पष्ट रूप से विद्वान होता है। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी को हम लोग मानते हैं अत्याधुनिक भाषा। और यदि यही राहु शुक्र के साथ, मंगल के साथ, पंचम भावाधिपति के साथ युति बना रहा हो तो प्रेम विवाह में जातक बहुत ही कठिन और बहुत ही दृढ़ता के साथ निर्णय लेता है, चाहे उसको कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़े। ये मैंने क्यों कहा? क्योंकि कई बार कई दर्शक बड़े ही पीड़ित स्थिति में होते हैं और कहते हैं मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा, मेरे तो घर वाले मान ही नहीं रहे। ऐसी स्थिति क्यों आती है? जन्म कुंडली में दशम भाव और चतुर्थ भाव माता पिता के कारक भाव, और पत्नी का कारक भाव है सप्तम भाव, प्रेम का कारक भाव है पंचम भाव। अब जब तक इन भावों की स्थिति शुभ नहीं होगी, कैसे परिवार आपके समर्थन में आएगा? कुटुंब का भाव जन्म कुंडली से द्वितीय स्थान होता है। अब यदि द्वितीय की स्थिति निर्बल हो जाए तो कई जातकों को मैंने देखा विवाह भी कर लिया लेकिन परिवार में स्वीकृति नहीं है, अलग रहना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि कुटुंब भाव के अधिपति ग्रह के साथ स्थिति सरल नहीं बन रही। तो विवाह तो आपने कर लिया लेकिन निवास परिवार में नहीं हो पाएगा। तो मैं स्पष्ट रूप से उनको यह सलाह देता हूं कि विवाह कर लीजिए, परिवार आपकी मान्यता नहीं देने वाला, आपको अलग रहना पड़ेगा। हाँ, निर्णय बड़ी समझदारी से लीजिए। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने पहले भी बताया कि प्रश्न केवल विवाह का नहीं है, असली जीवन की गंभीरता तो विवाह के बाद आरंभ होती है। और यदि छठे भाव का अधिपति या शनि राह के तो मंगल ग्रह की जो कुदृष्टि है, कुदृष्टि मैं क्यों कह रहा हूं, कई बार इन ग्रहों के प्रकोप के कारण जेल यात्रा करनी पड़ती है, कई बार इन ग्रहों के कारण जातक हत्या, आत्महत्या या नकारात्मक स्थितियों का सामना करते हैं। अक्सर हम लोग देखते हैं टेलीविजन के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से ये सूचना मिलती है कि प्रेम में अंधा होकर के एक युवक ने हत्या कर दी। ऐसा क्यों होता है? कई जातक मुझसे पूछते हैं कि आचार्य जी आप तो ज्योतिष जानते हैं,
बताइए इसकी कुंडली में क्या योग रहा होगा कि ये जिससे सचमुच में सच्चा प्यार करता था अपनी प्रेमिका की ही हत्या कर दी, ऐसा क्यों हो गया? और बाद में वो पश्चाताप भी कर रहा है, जेल में बैठ करके रो भी रहा है। बड़े ही गहनता से, बड़ी ही सूझबूझ के साथ इस प्रकार का निर्णय लेना चाहिए। हालांकि प्रेम में सूझबूझ और गहनता का निर्णय बड़ा ही जटिल है, क्योंकि जातक भावुक है, ये बात तो पहले दिन ही पक्की हो जाती है। और भावुकता कैसे निर्णय लेंगे आप? हृदय का भाव चंद्रमा से स्पष्ट होता है। हृदय का कारक ग्रह क्या है? चंद्रमा। यदि चंद्रमा शुभ है तो जातक मर जाएगा, आपका साथ नहीं छोड़ेगा। यदि चंद्रमा अशुभ ग्रहों से दृष्ट है तो जातक छल कपट करेगा, प्रेम में आपको धोखा देगा। राहु केतु या शनि के साथ संबंध बन रहा है तो यह प्रेम स्थायी नहीं हो सकता, आपको इस्तेमाल करके जातक छोड़ देगा। प्रेम में अक्सर मैंने देखा कई लोगों को बहुत ही गहरे जख्म खाते हुए, और यह पीड़ा क्यों होती है? चंद्रमा की स्थिति बड़ा ही महत्वपूर्ण। यदि चंद्रमा छठे, आठवें या द्वादश स्थान पर विराजमान है तो जातक को जीवन में गहरी चोट मिलनी ही है। और वो कैसे मिलेगी? जाहिर सी बात है कि उसको धोखा मिलेगा। और धोखा कैसे होगा? वो गहरा विश्वास करेगा। धोखा की पहली शर्त क्या है? कि आप भरोसा करेंगे। बिना भरोसा किए तो धोखा मिलने ही वाला नहीं है। यदि आप भरोसा ही नहीं करेंगे तो धोखा मिलेगा कैसे? पहली शर्त ही है कि आप विश्वास करेंगे, और विश्वास करेंगे तो धोखा मिलेगा ही मिलेगा। चंद्रमा की स्थिति, चूंकि चंद्रमा कर्क राशि के स्वामी होते हैं और बृहस्पति के साथ परम शुभ फल देते हैं, यदि बृहस्पति की शुभ दृष्टि, ज्योतिष शास्त्र कहता है कि बृहस्पति की दृष्टि अमृत के समान है, जाहिर सी बात है यदि चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए और शुक्र ग्रह की स्थिति प्रबल हो तो प्रेम विवाह हर हाल में शुभ फल देता है। आप सभी दर्शकों से मैं कहूंगा, जैसा कि मैं सदैव कहता हूं, कि निर्णय लेते समय गहनता से सोच विचार कर लीजिए, और आपको प्रेम विवाह में शुभ फलों की प्राप्ति हो इसके लिए उपाय क्या करना है? शिव जी की आराधना करिए। कई संदर्भों में भगवान श्री कृष्ण जी की आराधना का भी विधान है। ये उपाय करिए, निश्चित रूप से प्रेम विवाह आपका सफल। आरंभ करते हैं आज का दैनिक राशिफल। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि के जातक, आपकी राशि के स्वामी मंगल ग्रह है और प्रेम विवाह आपको शुभ फल देने वाला है। यदि आज आप इस प्रकार का निर्णय ले रहे हैं तो आज का दिन बहुत ही शुभ है। आपको उपाय क्या करना है? आपको उपाय में मैं कहूंगा, गणपति की आराधना करिए। गणेश जी को हरे रंग का वस्त्र आप अर्पित करिए। ये छोटा सा उपाय प्रेम विवाह की स्थिति में आपको शुभ फल देगा। अब चर्चा करते हैं वृष राशि। वृष राशि के जातक, वृष राशि के स्वामी शुक्र ग्रह है और आज का दिन प्रेम विवाह के संबंध में निर्णय लेने के लिए बहुत ही उचित और शुभ दिन है। आपको उपाय क्या करना है? लक्ष्मी जी की आराधना करनी। विवाह का निर्णय लेते ही आप देखेंगे धन की जो कमी थी जीवन में, वो कमी, उस कमी से आपको छुटकारा मिल गया। लक्ष्मी जी की आराधना करिए, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। अब चर्चा करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातक, आपकी राशि के स्वामी बुध ग्रह हैं और प्रेम विवाह की स्थिति में बुध ग्रह की स्थिति का निर्णय अवश्य लीजिएगा। आज का दिन वैवाहिक निर्णय लेने के लिए बहुत ही शुभ है। परिवार का जो विरोध है, कुटुंबों का जो विरोध है, आप देखेंगे कि यदि आज के दिन आप निर्णय लेते हैं तो उसमें भी न्यूनता रहेगी। गणेश जी की आराधना करिए। गणेश जी को मोती चूर के लड्डुओं का भोग लगाइए, निश्चित रूप से आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। अब चर्चा करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के जातक, कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है और आज का दिन
भावुकता से भरे हुए निर्णय लेने में आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, क्योंकि आज के दिन आपके ऊपर बहुत दबाव रहेगा, विशेष रूप से वो जातक जो प्रेम में है। आज ही आप बाध्य होंगे कि निर्णय लें, निश्चित रूप से निर्णय लीजिए, बिना किसी भय के, बिना किसी चिंता के, यह निर्णय आपको शुभ फलों की प्राप्ति कराएगा। उपाय क्या करना है आपको? शिव जी की आराधना करनी है और बिल्कुल निश्चिंत रहिए, भयभीत नहीं होना है। अब चर्चा करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के जातक, आज का दिन निर्णय बिल्कुल नहीं लेना है आपको। प्रेम विवाह की स्थिति में बहुत ही सोच समझ करके, विचार विमर्श कर करके निर्णय लीजिए। प्रेम विवाह का निर्णय आपके परिवार के हित में, आपके जीवन के हित में। आपको निर्णय लेते समय श्रेष्ठ लोगों का, जो आपके मित्र हैं, जो आपके परिवार में वरिष्ठ हैं, उनसे विचार विमर्श अवश्य करिएगा। क्यों? क्योंकि धोखा हो सकता है आपके साथ। उपाय क्या करना है आपको? शिव जी की आराधना करनी है, और शिव जी की आराधना में क्या करना है आपको? सफेद रंग के पुष्प भगवान शिव जी को अर्पित करना है। अब चर्चा करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि के जातक, आपकी राशि के स्वामी बुध ग्रह है, और आज का दिन प्रेम विवाह करने की यदि आप सोच रहे हैं तो हर प्रकार से आपके लिए मंगलकारी है। धन की वृद्धि का योग बन रहा है, आपके जीवन में मान सम्मान की प्राप्ति होगी, कार्य क्षेत्र में लाभ होगा। आज का दिन बिल्कुल पक्के तौर पर निर्णय लीजिए और आगे बढ़िए अपने जीवन में। उपाय क्या करना है आपको? जीव जंतुओं को भोज्य पदार्थ उपलब्ध कराइए, खाने पीने की सामग्री पशु पक्षियों को उपलब्ध कराइए। ये उपाय आपके निजी जीवन में खुशहाली देगा। दर्शकों, यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलकर के शेष बची हुई राशियों के संबंध में चर्चा करेंगे। और आरंभ करते हैं अब शेष बची हुई राशियों के राशि फल से। सबसे पहले तुला राशि। तुला राशि के जातक, आपकी राशि के स्वामी ग्रह है शुक्र ग्रह, और आपकी राशि बहुत ही शुभ फल देने वाली है। यदि आप प्रेम विवाह का निर्णय ले रहे हैं तो निश्चिंत हो जाइए, आपको शुभ फलों की प्राप्ति होने वाली है। आज का दिन, चूंकि शुक्र का गोचर भी आपको समर्थन दे रहा है, और साथ ही साथ शनि शुक्र बुध ये तीनों ही ग्रहों की स्थिति आपके लिए शुभ फलदायी है। उपाय क्या करना है आपको? परिवार में जो भी वरिष्ठ महिलाएं हैं विशेष रूप से, उनके चरण स्पर्श करके उनसे अनुमति भी लीजिए और उनसे आशीर्वाद भी लीजिए। अब चर्चा करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातक, आपकी राशि के स्वामी मंगल ग्रह है, और आज का दिन धैर्य रखिए। आज आपको कोई भी निर्णय नहीं लेना है। आज आपको प्रेम विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार की चर्चा अपने कुटुंब में, परिवार में, मित्रों में, घर में कहीं नहीं करनी है। धैर्य रखिए, सही समय पर सही निर्णय लीजिए। ये नहीं मैं कह रहा हूं कि आपके लिए प्रेम विवाह फलित नहीं होने वाला, केवल आज का दिन आपको निर्णय नहीं लेना है। शुभ परिणामों की प्राप्ति के लिए उपाय क्या करना है? चना और गुड़ का हनुमान जी को भोग लगाइए और प्रसाद स्वरूप इसको बंटवा दीजिए। ये भोज्य पदार्थ के रूप में आप अपने इष्ट मित्रों में, प्रसाद के रूप में अपने परिवार के लोगों में आप बंटवा दीजिए। बस ये छोटा सा उपाय करिए, निश्चित रूप से आपके निजी जीवन में इसका लाभ आपको दिखाई देगा। अब चर्चा करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के जातक, प्रेम संबंधों से आपको निश्चित रूप से लाभ की प्राप्ति होगी। प्रेम विवाह का यदि आप निर्णय लेते हैं तो धन की कमी नहीं होगी, आपका कुटुंब, आपका परिवार भी आपको समर्थन देगा। आपको उपाय क्या करना है? विष्णु जी की आराधना करनी है, विष्णु जी की आराधना करिए, सपरिवार आपको समर्थन की प्राप्ति।
अब चर्चा करते हैं मकर राशि। मकर राशि के जातक आपके जीवन में प्रेम विवाह खुशहाली लेकर के आएगा, व्यापार में धन की वृद्धि होगी। आपको उपाय क्या करना है, परिवार में जो भी वरिष्ठ लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, उनकी सेवा करिए, प्रतिदिन उनके चरण स्पर्श करके उनसे अनुमति भी लीजिए और उनसे आशीर्वाद भी लीजिए। ये छोटा सा उपाय आपके जीवन को खुशहाली से भर देगा। अब चर्चा करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जातक प्रेम विवाह का निर्णय आपके लिए जटिल होगा, गंभीर होगा, आप द्वंद्व में पड़ेंगे। घर की सुने या अपने निजी विचारों की सुने, थोड़ा समय लीजिए, ये सही समय नहीं है ये निर्णय लेने का। प्रतीक्षा कीजिए, सही समय पे सही निर्णय लीजिए। आपको उपाय क्या करना है, शिव जी की आराधना करनी है। शिव जी की आराधना में आपको बिल व पत्र अर्पित करना है। धैर्य रखिए, जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होगी। अब चर्चा करते हैं अंतिम राशि मीन राशि की। मीन राशि के जातक विवाह में प्रेम विवाह की स्थिति आपको निःसंदेह लाभ देने वाली है। प्रेम विवाह के निर्णय में आपको किसी भी प्रकार से कुछ भी सोचने समझने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई भी विघ्न बाधा आ रही है तो आपको बड़ा ही सरल सा उपाय करना है, लक्ष्मी जी की आराधना करिए, कमल का पुष्प उनको अर्पित करिए, आपके निजी जीवन में निर्विघ्नता आएगी। जो भी विघ्न बाधाएं आपको परेशान कर रही हैं, हमेशा हमेशा के लिए उनसे छुटकारा मिल जाएगा। ये था दर्शकों मेष राशि से मीन राशि तक राशिफल और कैसे आप अपने निजी जीवन में प्रेम विवाह में शुभ फलों की प्राप्ति करें। अब चर्चा करता हूं उन दर्शकों के लिए जिनको की राशि के बारे में ज्ञान नहीं है, आपको बिल्कुल भी निराश होने की आवश्यकता नहीं। जन्म तिथि के आधार पर, जन्मांक और मूलांक के आधार पर मैं आपको बड़ा ही छोटा छोटा सा सरल सा उपाय बताता हूं। इन उपायों के माध्यम से प्रेम विवाह में यदि आपके जीवन में भी कोई कष्ट आ रहा है, कोई विघ्न बाधा आपको परेशान कर रही है, हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। आरंभ करते हैं सबसे पहले मूलांक एक से। मूलांक एक के जातक निश्चिंत रहिए, प्रेम विवाह आपको शुभता देने वाला है। उपाय क्या करना है, किसी गरीब निर्धन व्यक्ति को संध्या के समय भोजन कराइए। मूलांक दो के जातक यदि आप कन्या हैं तो किसी विवाहित स्त्री की सेवा करिए, यदि आप पुरुष हैं तो किसी वृद्ध व्यक्ति की सेवा करिए और संध्या के समय उनको भोजन कराइए। मूलांक तीन के जातक व्यापार और धन की स्थिति पर अपना ध्यान केंद्रित करिए, प्रेम विवाह का तो स्वतः प्रबल योग है, उसके लिए आपको कुछ भी परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। उपाय क्या करना है, बंदरों को भोज्य पदार्थ उपलब्ध कराइए, कोई भी फल या कुछ भी बंदरों को खिलाना है आपको और दिन में इन उपायों को करना है। मूलांक चार के जातक भावुकता में बह करके शीघ्रता से निर्णय लेने की बजाय धैर्य रखिए, धैर्य के साथ निर्णय लीजिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, जल्दीबाजी में निर्णय नहीं लेना है। उपाय क्या करना है, विष्णु जी की आराधना करिए, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। अब चर्चा करते हैं मूलांक पांच की। मूलांक पांच के जातक विलंब है, धैर्य रखिए, निश्चित रूप से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। सूर्य देव की आराधना करिए, निश्चिंत रहिए, धैर्य का फल अति शीघ्र आपको प्राप्त होगा। मूलांक छह के जातक धन की स्थिति प्रबल है, परिवार की स्थिति भी शुभ है, केवल आपके निर्णय से असंतोष है। परिवार को मनाने के लिए उपाय क्या करना है, आपको किसी वृद्ध महिला की सेवा करिए, उनको भोजन कराइए, उनको वस्त्र का दान करिए और ये उपाय संध्या के समय करिए। मूलांक सात के जातक सौंदर्य सामग्री का दान करिए और परिवार के ही किसी सदस्य में, ऐसे रिश्ते में जैसे कि बुआ हो, चाची हो
या इस प्रकार का कोई रिश्ता हो तो वहां आपको इन सामग्रियों का दान करना है, गिफ्ट के रूप में उनको उपलब्ध करा दीजिए। निश्चित रूप से आपके निजी जीवन में खुशहाली आएगी। मूलांक 8 के जातक, परिवार से गतिरोध हो सकता है, अपनी वाणी की कठोरता से बचिए, वाणी में मधुरता रखिए। परिवार हो सकता है आपसे सहमत ना हो, लेकिन सभी लोग आपसे प्रेम करते हैं। धैर्य रखिए, थोड़ा समय दीजिए, भगवान शिव जी की आराधना करिए, निश्चित रूप से आपकी बात परिवार की समझ में आएगी। मूलांक 9 के जातक, वाणी और व्यवहार आपके जीवन में आपके जीवन जीने की शैली को दर्शाता है। वाणी को धैर्यपूर्वक प्रयोग में लाइए। थोड़ा विलंब है, आपके निजी जीवन में दुख का पीड़ा का समय है, धैर्य रखिए। उपाय क्या करना है आपको? शनि स्त्रोत का पाठ करना है। देरी अवश्य है, लेकिन निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। दर्शकों, ये था आज का उपाय उन जातकों के लिए, उन दर्शकों के लिए जिनको कि उनकी राशि का ज्ञान नहीं है। और अब आप सभी दर्शकों को कार्यक्रम के अंत में, जैसा कि मैं सदैव आपको बताता हूं, महा उपाय। आज विशेष रूप से वो जातक जिनके जीवन में प्रेम संबंधों में वो चाहते हैं कि प्रेम विवाह में सफलता मिले, आपको उपाय क्या करना है? भगवान श्री कृष्ण जी का ध्यान करना है। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः। भगवान श्री कृष्ण जी का ध्यान करिए, और जैसा कि गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को अपने आराध्य के रूप में प्राप्त करने के लिए चरमतम कठोर साधना की थी, माँ कात्यायनी की पूजा की थी, ठीक उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जी की विनती करनी है, उनका ध्यान करना है। निश्चित रूप से वो जातक जो अपने प्रेम को प्राप्त करने की अभिलाषा रखते हैं और जीवन में प्रेम विवाह चाहते हैं, ये उपाय करिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही दर्शकों, अब आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद, नमस्कार।